यदुवंशियों का वह इतिहास जिसे 90% लोग नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रकूट यदुवंशी थे? और क्या आप जानते हैं, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वह आपके पूर्वजों ने बनवाई हैं? अगर नहीं जानते तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी भी दबा दें, ताकि आने वाले समय में वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सबसे पहले आपको हम प्रूफ बताना चाहेंगे राष्ट्रकूट साम्राज्य के, कि राष्ट्रकूट यदुवंशी थे या नहीं थे। तो सबसे पहला जो प्रूफ है वो सुनिए। तो सबसे पहले आपको राष्ट्रकूट चंद्रवंशी यादव हैं, जिनका राज महाभारत काल में भी था। श्री कृष्ण जी के वंश में एक राजा का नाम सौराष्ट्र हुआ करता था। जिस क्षेत्र पर उनका शासन था वह इस राजा के नाम पर सौराष्ट्र कहलाया। इस सौराष्ट्र राजा की प्रसिद्धि के कारण उनके नाम पर चंद्रवंशी क्षत्रियो संघ यानी राठी या राजकूट कहलाया। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने अपनी किताब इतिहास में अंधकार युगीन भारत में इस वंश का सौराष्ट्र में शासन था लिखा है। अर्थशास्त्र में लिखा है कि सौराष्ट्र में राष्ट्रकूटों की सरकार थी। राष्ट्रीय चंद्रवंशी हैं, इसके प्रमाण आपको बताते हैं। तो सबसे पहले सन 860 ईस्वी में लिखे हुए राजा अभोगवर्ष के कौंतूर वाले शिलालेख, और सन 930 ईस्वी में राजा गोविंद राज के खंबात के ताम्रपत्र में, सन 933 के संगाली और 958 ईस्वी के करहार स्थान पर लेखों में भी इस वंश को चंद्रवंशियों की शाखा स्वरूप लिखा यदुवंशी लिखा गया है। देहली और बेगुरम में प्राप्त लेखों में भी इन्हें स्पष्ट चंद्रवंशी यादव लिखा गया है। अब आपको राष्ट्रकूट साम्राज्य की वीरता का बखान सुनाते हैं। कलयुग में भारतवर्ष के महानतम साम्राज्यों में से एक था मान्यखेत के यार यदुवंशी अभीरों का राष्ट्रकूट साम्राज्य। इस साम्राज्य के सम्राटों की उत्पत्ति महाभारत के महान यादव योद्धा और द्वारका के सेनापति सातकी उर्फ युयुधन से मानी जाती है। 102 संकष्ट कुलों में विभक्त 5 जन आर्य यादव कुल में से वीर अक्रूर सातकी आदि वृष्णि योद्धा भी श्री कृष्ण बलराम जी के सगोत्रीय भाई बंधु थे। वीर अभिमन्यु को शस्त्र विद्या भी वीर सातकी ने ही दी थी। वीर सातकी उस जमाने के 10 लाख यादव योद्धाओं की विश्व विजय अजय नारायणी सेना के प्रधान सेनापति थे। महाभारत के बाद माता गांधारी के श्राप के कारण यदुवंशियों में हुई आपसी महासंग्राम में वीर सातकी वीरगति को प्राप्त हो गए, और सातकी के प्रपोत यदुवंशी युगंधर ने आगे चल सातकी का वंश बढ़ाया। पुराणों के अनुसार द्वारका के विनाश के बाद बचे हुए ज्यादातर यादव द्वारकाधीश के प्रपोत बद्रनाथ के संग हरियाणा और ब्रज आ गए, और एवं बचे हुए कुछ यादव गोत्र महर्षि अगस्त के साथ दक्षिण की ओर माइग्रेट कर गए। हालांकि कुछ वर्षों तक सातकी के प्रपोत युगंधर ने अभीर देश कच्छ पर शासन किया, लेकिन उसके ज्यादातर वंशज भी दक्षिण चले गए। इतिहासकारों के अनुसार आगे चल सातकी के प्रपोत युगंधर की पीढ़ी में राजा यदुवंशी सम्राट दंती दुर्ग ने ही विशाल राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। कर्नाटक के आज के गुलबर्गा शहर से लेकर उत्तर भारत के मालवा और कन्नौज तक फैले विशाल राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव इस वंश के सबसे प्रतापी शासक दंती दुर्ग ने चालुक्य साम्राज्य को पराजित कर लगभग 736 ईस्वी में रखी थी। सम्राट दंती दुर्ग ने अपनी यादव सेना की सहायता से उनके कातर शत्रु चालुक्यों के सम्राट कीर्तिवर्मन द्वितीय को परास्त किया और राजाधिराज की शाही पदवी धारण की। उन्होंने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। इसके उपरांत इन शासकों ने मानखेत, जो आधुनिक मालखंड है, को अपनी राजधानी बनाया। राष्ट्रकूटों ने 736 ईस्वी से लेकर 973 ईस्वी तक शासन किया। इस यदुवंश में अनेक महान राजा हुए। राष्ट्रकूट शासक वैष्णव होने के साथ साथ आराध्य देव महादेव के भी परम भक्त थे। अजंता व एलोरा की गुफाओं का निर्माण तथा मुंबई के निकट एलिफेंटा गुफा का निर्माण, विश्व विख्यात महादेव की मूर्ति का निर्माण भी इन्होंने ही कराया था। 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य के काल में गंगा के उपजाऊ मैदानी भाग पर स्थित कन्नौज राज्य का पर नियंत्रण हेतु एक त्रिदलीय संघर्ष चल रहा था। उस वक्त कन्नौज उत्तर भारत की मुख्य सत्ता के रूप में स्थापित था। प्रत्येक साम्राज्य उस पर नियंत्रण करना चाह रहा था। मानखेत के राष्ट्रकूटों की सत्ता के उच्चतम शिखर पर उनका साम्राज्य उत्तर दिशा में गंगा और यमुना नदी के स्थित द्वाक से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक था। यह उनके राजनीतिक विस्तार, वस्तुकला उपलब्धियों और साहित्य योगदान का काल था।
दक्षिण भारत एक गुजरात में गुजरात से मिले 75 शिलालेखों में से कुछ इसके वंश के बारे में प्रकाश डालते हैं। इनमें से 8 शिलालेख बताते हैं कि राष्ट्रकूट राजा यादव वंश के थे। 860 ईस्वी में उत्कीर्ण एक शिलालेख में बताया गया है कि राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग का जन्म यदुवंशी सातकी के वंश में हुआ था। इस प्रकार राष्ट्रकूट वंश भगवान कृष्ण के सेनापति सातकी के वंशज हुए। इतना ही नहीं, राष्ट्रकूट साम्राज्य के ध्वज पर अंकित गरुड़ इसके अभीर होने का साफ साफ प्रमाण देता है, क्योंकि कालांतर से यादव वंश का प्रतीक चिन्ह गरुड़ रहा है, जो इसके अभीर तथा निर्भीक होने का प्रतीक है। अहीर शब्द अभीर का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ सर्प रूपी शत्रु का दमन करने वाला होता है। अहीर ईर और ठीक इसी प्रकार गरुड़ भी सर्प का दमन करता है। साथ ही पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री हरि नारायण का भी वाहन है। अपने शत्रु चालुक्य वंश को पराजित करने वाले राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में ही दक्कन साम्राज्य भारत की दूसरी बड़ी राजनीतिक इकाई बन गया, जो मालवा से कांची तक फैला हुआ था। इस काल में राष्ट्रकूटों के महत्व का इस तथ्य से पता चलता है कि एक मुस्लिम यात्री ने यहाँ के राजा को दुनिया के 4 महान शासकों में बताया। अन्य शासक खलीफा तथा बाइजंतिया और चीन के सम्राट थे। इस वंश के राजा युद्ध कला में पारंगत थे, और हो भी क्यों ना, जब इनकी धमियों में वीर योद्धा सातकी का खून दौड़ता हो। सम्राट ध्रुव देव प्रथम ने गंगवादी मैसूर के गंग वंश के राजाओं को पराजित किया। कांची यानी कांचीपुरम के पल्लवों से लोहा लिया, और बंगाल के पाल राजा तथा कन्नौज पर दावा करने वाले प्रतिहार शासकों को बुरी तरह धूल चटाई। इस वंश में सम्राट कृष्णदेव द्वितीय ने, जो 878 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे, फिर से गुजरात पर कब्जा कर लिया, जो स्मृति अमोघ वर्ष प्रथम के हाथों से छिन गया था। लेकिन वे बेंगी पर फिर से अधिकार करने में असफल रहे। उनके पौत्र इंद्रदेव द्वितीय ने, जो 914 से सत्तारूढ़ हुए, कन्नौज पर कब्जा करके राष्ट्रकूट शक्ति को अपने चरम पर पहुंचा दिया। कृष्ण तृतीय ने उत्तर के अपने अभियानों में लगभग 940 से इसका और विस्तार किया, तथा कांची और तमिल अधिकार वाले मैदान क्षेत्र 948 से 966-67 पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रकूट वंश के सम्राट अमोघ वंश को दक्षिण का सम्राट यानी अशोक कहा गया है। राष्ट्रकूटों के समय का सबसे विश्वविख्यात मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर है। इसका निर्माण सम्राट कृष्णदेव प्रथम के शासनकाल में किया गया था। भदौड़ा अभिलेख में इस मंदिर की भव्यता का वर्णन मिलता है। दशावतार मंदिर को 2 मंजिला ब्राह्मण मंदिर का एकमात्र उदाहरण है। मंदिर 5 मंजिले की है, जिसमें इंद्र महासभा, छोटा कैलाश तथा जगन्नाथ सभा प्रमुख हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य के विनाश के बाद इस वंश में ज्यादातर यदुवंशी वापस गुजरात की तरफ माइग्रेट कर गए। सातकी के वंशज आज भी गुजरात में मौजूद हैं। गुजरात के यदुवंशी अहीर में पाई जाने वाली सातकी के वंशजों की कुछ प्रमुख गोत्रें बड़ियार, बधेर, राठौड़, माडम, नंदनिया, खिमानिया, पिंडारिया, हाड़िया आदि गोत्र के यदुवंशी अहीर भी सातकी के वंशज हैं। इतना ही नहीं, सातकी के वंशज पंजाब साइड भी पाए जाते हैं। पंजाब के प्रमुख राजा पुरुषोत्तम उर्फ पौरस, जिसे सिकंदर से लोहा लिया था, इसी वंश के सातकी वंशज का वीर है। सातकी के दादा श्री का नाम सैनी था, जिनके नाम पर सैनी वंश बड़ा, जो सिर्फ पंजाब सूबे में होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सैनी तो निम्न कोटि के नाई और माली लिखते हैं, लेकिन जी नहीं, समय के साथ लोगों में हेरा फेरी की गई इतिहास के साथ। लेकिन हम जिन सैनी की बात कर रहे हैं, वो यादव क्षत्रिय पंजाब साइड पाए जाते हैं, और ये सातकी के दादा सैनी के वंशज हैं, और इनका नाई और मालियों से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हो सके तो अपने यदुवंशी भाइयों तक ज़रूर पहुँचाएँ। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें। धन्यवाद।